विश्व के दूसरे सबसे बड़े पाम तेल उत्पादक देश मलेशिया में पाम तेल उत्पादन जोरों पर है। अगस्त के अंत में मलेशिया के पाम तेल का स्टॉक 2 साल से अधिक समय में पहली बार 2 मिलियन टन से ऊपर जाने की संभावना है। स्टॉक पाइल से 1 महीने पहले 14.5% उछलकर 2.03 मिलियन टन हो गया, जो अप्रैल 2020 के बाद सबसे अधिक है। वही दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देश में उत्पादन 8% चढ़कर 1.7 मिलियन टन दर्ज किया गया है, जो 10 महीने के शिखर पर पहुंच गया है। सितंबर में उत्पादन बढ़ने से मंदी आने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि पैदावार में सुधार होने में समय लगेगा। दरअसल सबसे बड़े पाम उत्पादक इंडोनेशिया ने भी बीते दिनों से लगातार अपने यहां से पाम तेल निर्यात को बढ़ावा दिया है और निर्यात शुल्क में छूट दी है। इंडोनेशिया से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण मलेशिया का पाम तेल निर्यात 0.14% घटकर 1.32 मिलियन टन रह गया है। दरअसल यूरोपीय संघ का शिपमेंट बढ़ा है, लेकिन प्रमुख खरीदार भारत ने खरीद को धीमा कर दिया है। दूसरी ओर प्रमुख पाम तेल आयातक चीन के 2 प्रांतों में कोविड प्रतिबंध लागू होने के कारण भी चीन की ओर से मलेशिया में तेल की मांग घटने का डर बना हुआ है। वैश्विक खाद्य तेल बाजार में मंदी के रुख और देश में पाम तेल के बढ़ते आयात की वजह से सोया तेल में भी कमजोरी देखने को मिली है, जिससे सोया तेल में भाव नीचे आ गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आगे चलकर खाद्य तेल की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।